आज हमारे पास सरिता मैडम है और उनके बेटा है। इन्होंने हमें एंगेज किया है। इनकी क्वेरी है फॉरेन कंट्री से रिलेटेड, तो उनकी क्वेरी भी लेंगे। सरिता मैडम, सबसे पहले मैं आपको नमन करता हूं और बेटा आपको भी मेरी ओर से नमस्कार। मेरे बेटे का तो नाम है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष, हाँ, ये तो हमारे शिव जी भगवान आ गए। ठीक है, तो ऐसे है मैडम, कहाँ के रहने वाले हैं मुखर्जी? बेसिकली मेरे हस्बैंड तो कोलकाता से थे और मैं उड़ीसा से हूँ, लेकिन डिफेंस बैकग्राउंड है मेरे फादर का, तो मैं ऐसा कभी उड़ीसा में रही नहीं हूँ। बट हम ठीक लोग है। सेटल्ड हो गए फाइनली ये दिल्ली में, अच्छा, अभी अभी गुड़गांव में सेटल हुए। अभी हाँ, गुड़गांव में है। ठीक है, तो आपको हमारे बारे में मैडम कहाँ से पता चला? ऑनलाइन यूट्यूब से ही पता चला मुझे, तो तो कब से आपके फॉलो, वीडियोस काफी ट्रेंड। कब से देख रहे हैं? मैं 2 महीने, रुद्राक्ष, आप भी देखते हो वीडियोस? कभी कभी अच्छा, तो अभी कौन सी क्लास में हो? अभी मैं 11th पे हूँ। 10th का 11। बोर्ड्स अभी आज रिजल्ट आया है, 10th का 10th बोर्ड्स का के क्या परसेंटेज रहे हैं बेटे के? 78.8। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड है। तो हाँ, अभी इसने सुपर मेडिकल लिया है या मेडिकल लिया है? ओनली निकल लिया है। मेडिकल लिया है, तो ये भी सीबीएसई बोर्ड है। हाँ, ठीक पीसी भी लिया हुआ है और इंग्लिश, और एडिशनल में हाँ, है इसका हेल्थ फिजिकल एजुकेशन पीटी। ठीक है। तो सरिता मैडम, आप कितना टाइम से हमारी वीडियोस को देख रहे हैं? ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए। तो कैसा फीडबैक है उन वीडियोस का? मुझे काफी आपसे बात करने का मुझे इसलिए लगा कि आपके वीडियोस काफी कॉन्फिडेंट है। मैं झूठ नहीं कहूंगी, मैंने 2-4 और इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स का भी देखा था, बट मुझे कहीं आपकी बातों में ना सच्चाई, ऑनेस्टी नजर आई। बाकी में बस मुझे गालियां ही देते हुए लोग जैसे लगे। ठीक मुझे आप देखिए, आई एम अ विडो, है, मेरे सॉरी। हस्बैंड नहीं रहे, ठीक 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 मेरे ठीक पास सच कोई फंड्स नहीं है कि मैं बहुत ही एक्स्ट्रा वेगेंटली कुछ सोचूं। मैं ठीक जो भी है। करूंगी मैं अपने लिमिटेड बजट पे ही करूंगी। तो मुझे उस हालत में मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसे किसी ऑनेस्ट कंसल्टेंट से एंगेज करूं जहां मेरे पैसे डूबे नहीं, ठीक जहां ठीक ठीक मुझे जितना मैं इन्वेस्ट करूं उतना उतने का मुझे बेनिफिट मिले और मेरे बेटे को भी मिले। चलो मैडम, पहले तो थैंक्स करता हूँ और मैं अपने पेरेंट्स का भी थैंक्स करूंगा कि जिन्होंने हमें यही शिक्षा दी है कि टेल द ट्रुथ, आगे जो होगा देखा जाएगा। तो जो भी है, तो आपके और भी बच्चे हैं? नहीं, एकलौता बेटा ही है मेरा। चलो ठीक है, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सॉरी टू आस्क दिस मैं आईटी, क्वेश्चन। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। ठीक है मैडम, बहुत अच्छा है। मैं ओरेकल, ओरेकल आपने सुना होगा हाँ नाम, हाँ आई हाँ वर्क हाँ विद ओरेकल। ओके ओके, वेरी गुड। तो गुड़गांव में अभी सेटल्ड है आप लोग? हाँ बिल्कुल। तो ऐसे है कि आपने कोई अपने लेवल पर रिसर्च की हो कि हाँ हम यहाँ पर बच्चे को भेजना चाहते हैं, जो कुछ ऐसा? मैंने रिसर्च तो की थी, एकाध कंट्रीज में मैंने देखा। मैंने फिनलैंड में थोड़ा ट्राई किया था देखने के लिए। फिनलैंड का मैंने कुछ नेट पे पढ़ा भी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि इंडिया से शायद MBBS के लिए फिनलैंड का मुझे कोई कंसल्टेंट ऐसा नहीं मिला जो करता हो। मतलब मैंने नेट पे जितना भी सर्च किया, वही फिनलैंड के बारे में पॉजिटिव कोई किसी का मैंने सुना नहीं। फिर मैंने सोचा कि शायद इंडिया से फिनलैंड का होता नहीं होगा। फिर एस्टोनिया भी एक ऑप्शन मैंने सुना, तो वही चीजें मैं फिर गोल मोल घूम के ना मैं बड़ा कंफ्यूज सी हो गई। फिर चलो, क्योंकि मुझे रशिया, ये साउथ ईस्ट कंट्रीज, मुझे इनमें मुझे भेजना नहीं है बेटे को, क्योंकि इनमें सब वो आप जैसे कहते हो ना भेड़ चाल, बिल्कुल ठीक भेड़ चाल ही है। मुझे भेड़ चाल में अपने है। बच्चे को चलो शामिल नहीं करना मैं है। थैंक्स कहता हूँ। एटलीस्ट आप एक स्मार्ट पेरेंट हैं, आपने कुछ अपने लेवल पर रिसर्च तो किया। लोग अभी नहीं मान रहे, आपने तो फिर कहा कि नहीं यहाँ पे नहीं भेजना है। अभी भी पेरेंट्स और बच्चे नहीं मान रहे हैं, वो धड़ाधड़ मुझे, जैसे आप वीडियोस देखते हैं, दे आर ऑल्सो ट्रस्टिंग अस कि मुझे रशिया ही भेज दो, नहीं मुझे यूक्रेन ही भेज दो। अभी यूक्रेन बंदा फिर भी यूक्रेन को लिख कर भेजते कि यूक्रेन में अभी भी ऑप्शन है कि नहीं है, अब मुझे अर्मीनिया ही भेज दो, वो चले हुए हैं। तो सबसे नहीं, पहले तो जो बच्चे भी आपने, फंस गए ना, जो अभी पढ़ रहे थे बच्चे और भी सबसे, फंसे हुए हैं यूक्रेन के। तो हाँ, तो अभी जो आपने दो कंट्रीज के बारे में डिस्कस किया है, और इस्टोनिया और फिनलैंड के बारे में, देर इज अ लॉट ऑफ डिमांड ऑफ आईटी सेक्टर्स पीपल देयर। आई थिंक आपको पता होगा आईटी की बहुत डिमांड है,
और मेडिकल प्रोफेशन की भी वहां पे डिमांड है, एडजोनिंग ही है, एक दूसरे के साथ में लगी हुई है थोड़ी बहुत, ये ईस्टर्न यूरोप है और फिनलैंड स्कैंडिनेवियन है, साथ में लोग आते जाते रहते हैं। तो दीज आर द बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन बजट बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, और पढ़ाई स्टडी। देखिए मैंने तो भेज दिया, मेरा काम खत्म। और पूछना चाहूंगी कि जैसे कहीं भी हम यूरोपियन कंट्री में कहीं भी किसी अच्छे जगह पर अगर मैं अपने बच्चे को भेजूं, मैं ऐसी जगह पर चाहूंगी जहां पे मेरा कम से कम पैसा भी लगे लेकिन अच्छी जगह हो, जहां पे जहां के डॉक्टर मेडिकल का वैल्यू हो, बच्चे को लाइसेंस मिले, और उससे क्या हो कि मेरे मेरे बच्चे और मेरे बच्चे के साथ मैं ये भी चाहूंगी कि मैं भी रिलोकेट कर पाऊं, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला रहकर मैं भी क्या करूंगी, मेरे हाँ। बच्चे के साथ तो मैं भी रिलोकेट करना ही चाहूंगी। नेचुरल, ये नेचुरल दो ही हैं। तो ऐसा है कि पेरेंट्स के लिए रिलोकेट होना टफ है, इजी नहीं है, सिंस पेरेंट्स आर द लायबिलिटी ऑफ द कंट्री। मैंने तो एक्सप्रेस एंट्री कनाडा के लिए ट्राई किया था, बट मैडम वही है इस कि एज में नहीं, इस एज में नहीं हो पाएगा। आई नो मैडम, मैं वो देखिए मैं फिर बताऊं, वी आर यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन ऑफ 100 कंट्रीज, आई विल टेल द ओपनली, मुझे मालूम है कहां पे क्या है, हर एक पर्सन पैसा कमाना चाहता है, जहां पर होने वाला होगा, जहां पर है, वी आर टेलिंग ओपनली कि दीज आर द थिंग पेरेंट्स के लिए, दीज आर द लायबिलिटी फॉर एवरी कंट्री। उनको मालूम है कि अगर इनको हम कुछ भी देते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी व्हाट्सएवर है, वी नीड टू पे देम, क्योंकि एक जो यंग बच्चा है उससे हमने टैक्स भी लेना है, वो हमारी कंट्री के लिए कुछ करेगा भी, तो पेरेंट्स से सब डरते हैं। बट वी हैव द अनदर टाइप ऑफ ऑप्शंस, वो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस वे से रिलोकेट हो सकते हैं, बच्चों को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे वहां पर रह सकते हैं, कैसे वहां पर सेट हो सकते हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो एनी हो, कुछ चीजें ऐसा है कि हमें ऐसी चीजें दिखानी पड़ती हैं जब हम अपनी फुली डिपेंडेंसी दिखाते हैं कि आपको इंडिया में कोई भी लुक आफ्टर करने वाला नहीं है, आप ओनली फुली डिपेंड ऑन योर सन, और हम दो ही हैं, ना कोई मेरा ब्रदर है, ना कोई मेरा सिस्टर है, हस्बैंड भी नहीं है, कोई बच्चा भी नहीं है। तो ऑन दैट ग्राउंडेड सम कंट्री, इसको हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड कहते हैं, उन बेसिस के ऊपर दे आर गिविंग द रेजिडेंसी ऑफ पेरेंट्स। एंड अनदर ऑप्शन एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड, यू आर आई टी प्रोफेशन, यू आर ऑलरेडी डूइंग द वर्क विद ओरेकल, जो आपने बताया है, तो उस वेज के ऊपर भी वी कैन गिव द ऑप्शंस टू यू। फर्स्टली हम आपके बच्चे के ऊपर डिस्कस करेंगे, फिनलैंड एंड इस्टोनिया। फिनलैंड में आपके बच्चे को 100% जो प्रोग्राम्स मैं बता रहा हूँ उनमें ऑप्शंस मिल सकते हैं, एमबीबीएस को छोड़ के, अगर इसने अपना फिजियोथेरेपिस्ट में कुछ बैचलर करनी है, नर्सिंग, सुनिए 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 मैडम, हाँ हाँ मैं ये बता सकता हूँ, इनमें अगर आपने बैचलर करनी है 100% वी कैन हेल्प फॉर देम विदाउट एनी प्रॉब्लम। सेटलमेंट के भी ऑप्शन इसको मिलेंगे अगर ये वहां पे ये भी चीजें करता है, आपके लिए भी वहां पे ऑप्शन मिल सकता है। जी एमबीबीएस के लिए कहेंगे वी हैव नो एनी ऑप्शन इन फिनलैंड, ठीक है, काटामाली। इस्टोनिया में 100% इसको एडमिशन मिल सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, अगर आपकी फीस बजट वहां पे 14,000 यूरो का है, 14,000 यूरो का, 90 यूनिवर्सिटी के लिंक भेज दूंगा मैं आपको, आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं उस लिंक से भी, ठीक है, अभी देख लेती हूँ। 14,000 यूरो पर ईयर कह रहे हो आप, पर ईयर लेकर चलिए, That is 90 हो गया, 12 लाख ना, हाँ ये 12 लाख का सिर्फ 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 ट्यूशन फीस है, अभी आपने अपने लिविंग एक्सपेंसेस नहीं लगाए, 2,000 यूरो ये भी लेकर चलिए साल का, मतलब 1 करोड़ तो पहुंच गया, मतलब नहीं 6 साल की है अभी देख लिए, 1 करोड़ पे मतलब ज्यादा मतलब ले गए आप ते वहां तक है, लेकिन 14,000 यूरो करके चले तो 75,000 तो ये फीस, लेकिन इसमें ये भी नहीं है कि इसको इजीली एडमिशन मिल जाएगा, दे आर टेकिंग द एग्जाम है जिसको हम सैट कहते हैं, मेडिकल का सैट होता है, एसएटी सैट, उसके परसेंटेज भी दे विल चेक इट, दे विल टेक द इंटरव्यू ऑफ योर सन आल्सो, देयर आफ्टर दे विल गिव द एडमिशंस, ये भी नहीं है कि आपके पास इसमें परसेंटेज का कुछ भी रिक्वायरमेंट होता है, यूनिवर्सिटीज आर आस्किंग दिस थिंग आल्सो, क्योंकि इसने अभी 12th में भी 78 है, तो अच्छे लेने की कोशिश करनी है,
इससे कम हाँ, नहीं टेंथ लेना में है। 78, हाँ तो ट्वेल्थ में भी कितना इससे कम। परसेंटेज चाहिए 12th में? मैडम देखिए मतलब 70 वाली लाइन तो ठीक है, लेकिन कोशिश करें इसको क्रॉस करने की। 70 वाली इट इज ओके फॉर अस, देर इज नो एनी प्रॉब्लम। तो ये कंट्रीज का ये बजट है। अभी मैं फिर बताऊं, थोड़ा मुझे बजट बताते हैं तो देन आई विल टेल कि क्या करना चाहिए। बजट मेरा अराउंड आप लगा लो 50 के आसपास। 50 के आसपास आपको यूरोप मिलेगा, नॉट ए शेंगन कंट्रीज, वो भी कंट्री अच्छी हैं, उनकी मैं यूनिवर्सिटीज भेजूंगा। आपके पास बहुत सफिशियंट टाइम है। आपने मैडम देखिए पैसा दिया है मुझे, सरिता मैडम आपने पैसा डाला होगा मुझे, तभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, अभी पेरेंट्स ने 50 लाख रुपया खर्चना है, 1 करोड़ रुपया खर्चना है, किसी ने 40 लाख किया, किसी ने 30 लाख। जब मैं कहता हूँ डालो 5 हजार रुपया, फिर देखते हैं क्या करता है, सब कहते हैं नहीं यार 5 हजार रुपया आप पैसे मांगते हो, सीधे पैसे मांगते हो। लोग ऐसे कहते हैं मुझे, कई तो कई कहते हैं ठीक है इनका काम है, इन्होंने आगे बताना है सारा कुछ। तो अभी आपने 5,000 डाला है, अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आपको इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में ही भेजूंगा, यहाँ पे मुझे कमीशन आएगा, मेरा कुछ आएगा, एवरीथिंग इज ओपन फॉर यू, और मैक्सिमम बेनिफिट करवा कर दूंगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर आपको बेनिफिट हो। आपने जो जो बजट बताया है 50 लाख का, इसके अंदर मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं, तीन कंट्रीज, उनकी मैं बेस्ट यूनिवर्सिटीज भेजूंगा आपके पास। लेकिन अभी आपकी ड्यूटी ये है कि आपने उन कंट्रीज का एनालाइज अपने लेवल पर करना है, यूनिवर्सिटीज का, उन कंट्रीज का आपने ये देखना कि इनमें कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी आपके लिए, कौन सी बेस्ट रैंकिंग है, वहां पर लाइसेंसिंग का क्या प्रोसीजर है। लाइसेंसिंग मिलता है, लेकिन ये बच्चे ने अपने लेवल पर जरूर सर्च करना है, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए ना कि हाँ है कुछ यार, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बता दिया सतीश जी ने 5 हजार रुपया लिया था तो बल्ले बल्ले है। तो कंट्री का नाम है मैडम क्रोएशिया, रोमानिया एंड बुल्गारिया, ये 50 लाख के बजट के अंदर है, रोमानिया, बुल्गारिया। एंड क्रोएशिया। रोमानिया में तो मैं खुद गई हुई हूँ, बुकारेस्ट वगैरह गई हुई हूँ, बट ग्रेट, रोमानिया में तो बहुत ज्यादा मतलब रोमानियन लैंग्वेज का वो है, मैडम बहुत ज्यादा। देखिए मैंने यूनिवर्सिटीज वगैरह भी देखा है मैंने। नहीं मैडम, आज जितनी भी आपने कंट्रीज के बारे में डिस्कस किया, चाहे फिनलैंड के बारे में, चाहे इस्टोनिया के बारे में, चाहे रोमानिया के बारे में, चाहे बुल्गारिया, चाहे मैं इसको इटली में भेजूं, चाहे इसको मैं चेक रिपब्लिक में भेजूं, चाहे एवरी कंट्री हैव द लैंग्वेज हर्डल देयर, ये तो माइंड में लेकर चलना है। और लैंग्वेज भी आना मैंडेटरी है, लैंग्वेज नहीं आएगी तो कुछ नहीं मिल पाएगा, वो भी सीखनी पड़ेगी। नहीं, अगर इसको रोमानिया में मिलता है, रोमानिया में तो मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, तो इसके लिए तो कंफर्ट हो जाएगा मेरे मैडम और मैं क्योंकि। कहता हूं फॉरगेट अनदर थिंग्स, फॉरगेट अनदर थिंग्स, मैं यूनिवर्सिटीज भी भेज दूंगा, तो थिंक अबाउट दैट, फिर आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, इकोनॉमिकल रहेगा, फ्रेंड्स हैं तो आप एक काफी। मुझे हाँ बताइए सर, सतीश जी, रोमानिया में अगर, रोमानिया, क्रोएशिया, बुल्गारिया, इन तीनों में कहीं पे भी अगर होता है तो यहाँ पे लाइसेंस वगैरह मिल जाता है, और यहाँ से यहाँ पे फिर फर्दर सेटलमेंट, बेटे का सेटलमेंट का क्या कैसा रहता है यहाँ पे? मैडम डॉक्टर के लिए एवरीवेयर डिमांड, देर इज नो एनी प्रॉब्लम, अगर उसके पास स्किल है, इसके अगर लाइसेंस। ये यहाँ से लाइसेंस लेने के बाद ये अगर यूके जाना चाहे, यूके वगैरह सब में इसका बहुत है, होता अच्छा, है? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। यूके में पी लेव एग्जाम होता है अभी आने वाले टाइम में, उसका नाम कुछ चेंज कर रहे हैं, वो कुछ कर दिया आई थिंक सो, तो वो भी एग्जाम्ड है, बट दे आर सही कि आपकी अगर MBBS EU कंट्री के अंदर है तो आपने हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट देना, जिसको IELTS कहते हैं, 6.5 और 7 समथिंग। उसके लिए भी आपको मैं ये नहीं, मैं आपको मोटिवेशन दे रहा हूँ, उसके लिए भी आपने वहां NHS है, NHS UK के अंदर होता है, नेशनल हेल्थ, या नेशनल, उनको एक मेल डालिए अपनी अपनी ओर से, अभी तो टाइम पड़ा हुआ है आपके पास, यू कैन राइट देयर कि आई एम इंडियन नेशनल, आई कंप्लीटेड माय बैचलर ऑफ मेडिसिन 6 ईयर डिग्री फ्रॉम रोमानिया, एंड आई हैव द लाइसेंस देयर, एंड आई वांट टू गेट द लाइसेंस ऑफ UK टू प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर, तो आपके सामने ट्रूथ आ जाएगा। इतनी सी रिसर्च करिए थोड़ी सी, आपको थोड़ा पता चल जाएगा ये हमने की है उसी के कारण हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई मोटिवेशन दे रहा हूँ, नहीं मैंने रोमानिया भेजना है इसके कारण भेजना है। तो दूसरा क्या इन है, तीनों कंट्रीज में सतीश जी, इन तीनों कंट्रीज में 5.4 ईयर्स का जो चाहिए होता है एज पर हमारे इंडिया के रूल के हिसाब से है वहां पे, राइट? 100% है, एजेट के हिसाब से है ना? 6 साल का, यहाँ पे 6 साल का है। 6 साल, ओके। यहाँ पे देखिए गजट सुन लीजिए, जो गजट आया ना, गजट पढ़ा आपने,
आपने लिंक में दिया था अभी से पहले। थैंक गॉड कि आपने लिंक में थोड़ा सा अपवर्ड किए, इतने सीरियस है आप, तो गजट पढ़ लिया ना। गजट के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री में आज की डेट में बच्चा एलिजिबल नहीं है इंडियन, उसके अंदर ऐसे ऐसी क्लॉजेस डाली हुई है उन्होंने, बहुत सारा चेंजेस मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस की हुई है उसके अंदर। अभी उसके अंदर इंटर्नशिप को भी उन्होंने इंग्लिश में लिखा है कि इंग्लिश में होनी चाहिए, वहां पर इंटर्नशिप इंग्लिश में पॉसिबल ही नहीं है। यूरोप में तो पॉसिबल है, यूरोप में मतलब जितने देखो भी कंट्री है हाँ, सब में लोकल लैंग्वेज इतना ज्यादा है कि देखो अगर मैं अपने ऑफिस से भी ट्रैवल कर रही हूँ मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाता है लोकल लोगों से बात करना, और वहां पे इतने बांग्लादेशी सारे ना स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं, मैं तो सिर्फ उन्हीं से बात कर पाती हूँ। तो चलो ठीक है, तो इसीलिए उसके अंदर बाकी सारी चीजें फुलफिल कर रहे हैं, वो लैंग्वेज वाली हर्डल है। आने वाले टाइम में उस चीज को चैलेंज करते हैं हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, उसमें कोई अमेंडमेंट आती है तो देन वी विल सी इट। और इसके जो रिजल्ट हैं वो 6 साल के बाद दिखाई देंगे क्या होगा, जो भी 6 साल की डिग्री करके आएगा इंडिया में तो क्या हैपनिंग होती है। आज की डेट में तो इट इज डिफिकल्ट। और क्या क्या ऑप्शन है आप और क्या बता रहे हैं? और देखो इस बजट के अकॉर्डिंग तो यही ऑप्शंस हैं, अभी इससे छोटे छोटे हैं या इससे भी पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, दोनों मुझे बता दीजिए, 40 तक का भी बता दीजिए और 60 का भी बता दीजिए। चलिए देखो 40 वाली है, फिर साथ में जो अभी जो कंट्री ने ज्वाइन करना है ईयू के साथ, उसमें हम फिर मैं सर्बिया जैसी हुई, मोल्डोवा जैसी कंट्रीज हुई, इन कंट्रीज को वी आर प्रेफरिंग, जिनको हम बालकन स्टेट कहते हैं, थोड़ी साथ साथ लगी हुई है, उनमें वी आर प्रेफरिंग की चलो ठीक है आज नहीं कल। तो आप गूगल के अंदर देख लीजिए कौन सी कंट्री वेटिंग फॉर ईयू, जो जो ईयू को वेटिंग में है कि जिन्होंने ईयू को ज्वाइन करना है, तो दैट कंट्रीज वी आर रिकमेंडिंग। अभी यूक्रेन को भी कंट्रीज कौन कौन से बताया आपने, कौन कौन से बताया आपने? सर्बिया, मैसिडोनिया, मैसिडोनिया, ओके, मोंटीनिग्रो है, लेकिन मोंटीनिग्रो में इंग्लिश में मिल नहीं पाया हमसे भी। अच्छा, तो फिर वो तो काटा ही मार दिया। हाँ काटा। बोस्निया है, ये तीन कंट्रीज को आप लेकर चलिए कि हाँ, एक मोल्डोवा भी लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए जी। मोल्डोवा, हाँ मोल्डोवा, चिसनाउ इसकी चिसनाउ इसकी कैपिटल है मोल्डोवा की। ओके, इनका क्या आपने बताया? ये 35 से 40 लाख के अंदर हो सकता है। बाकी महंगी है सब, शेंगेन में पोलैंड। और इटली का क्या खर्चा बताया आपने? इटली में तो ट्राई है, वहां पे लग है 200 सीट्स हैं, 200 मैडम सीट्स हैं, और इंटरनेशनल, नेशनल लेवल का नहीं, इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम है, कई चक्कर मैट होता है वहाँ पे। हाँ आई मैट, वो ट्राई करना तो मैं ट्राई करवाऊंगा जरूर, लेकिन कहो कि उसमें क्या, उसमें टाइम वेस्ट है, लक जरूर अपना आजमाएं, क्योंकि मैंने एक पैसे के अंदर सब कंट्रीज अप्लाई कर देनी मुझे जहां कहेंगे। उसमें इटली का कितना खर्चा बताया आपने? इटली में फ्री टाइप का ही मिलेगा कोई, मतलब मैक्सिमम यूनिट 500 से लेकर 3000 यूरो तक की फीसेस है, 500 यूरो से लेकर कम ही है वहां पे, हाँ फ्री टाइप का ही है। अब 10-20 लाख रुपया लेकर चलो, आईमैट क्लियर करना पड़ता है, राइट? आईमैट क्लियर करना पड़ता है, वीजा का भी झंझट है, कई कुछ है। वीजा वीजा का क्या झंझट है? वीजा दे आर, मतलब लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर पुटिंग द एप्लीकेशन, बीइंग इटली फ्री स्टडी प्रोवाइड करता है, जैसे मेरे पास कई बार का वीजा लगा हुआ है, तो उसकी वजह से मेरे बेटे को नहीं मिलेगा। ऐसा ऐसा कोई प्रिविलेज नहीं है कि आपको लगाओ कि आपके बेटे को वीजा दे देंगे वो, तो ऐसे है कि उनके पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पड़ती हैं, वो अभी किसी को देने वाले को वीजा रिजेक्ट कर देते हैं, जिसको नहीं देना उसको वीजा दे देते हैं, समटाइम्स ऐसा हैपनिंग होती है। और ये जो आईमैट है इसमें परसेंटेज क्या, मतलब क्या रहता है, कितने परसेंट, मतलब क्या कैसा रहता है ये? मैडम इसको 30 नंबर वाला, 28 नंबर वाले को मिला है, 60 नंबर या 50 नंबर का होता है, इसका मैं आपको प्रेजेंटेशन भेज दूंगा कि टोटल कितने मार्क्स है, उसमें से आपको जो बच्चों को एडमिशन मिला 28 वालों को भी मिला, 30 वालों को भी लास्ट टाइम मिला है, उसका एग्जैक्ट आई थिंक 60 नंबर का मैक्सिमम, 90 नंबर का होता है ये, 90 में से ये 30 भी को लेता है। क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं सर, कुछ आइडिया? मैथ भी है इसके अंदर छोटा सा कवर किया, बाकी फिजिक केमिस्ट्री मैथ, ते बायो नहीं है? बायो तो है ही है, मैथ भी है 5 के नंबर, 5-6 नंबर का। हाँ मैं भेजूंगा वो भी आपको।
आप प्लीज मुझे भेज देना। ठीक है ठीक है, क्योंकि और पूछिए। आईमेट को भी लेके चलेंगे ना, हाँ आईमेट को भी लेके चलेंगे। ठीक ठीक है, है, और इनमें जैसे मैं, मेरा यहाँ पे और कोई नहीं होगा इसके अलावा, तो और क्या ही है मेरा, तो अगर मेरे मुझे रिलोकेट करना हो इसके साथ, तो ये किन कंट्रीज में पॉसिबल है? मैडम मैं सब में करवाएंगे, वो आपको मैं डिफरेंट तरीके से बताऊंगा कि किस वे से होना है, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। फर्स्टली इसका मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले इसको ले जाएंगे तभी आप जा पाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मिल जाएगा। आप बहुत कंट्री में, शेंगन में ऑलरेडी ट्रेवल्ड हैं, आपके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बेटे को भेजना पहले जरूरी है हमारे लिए। ठीक है ठीक है। और सर आप और क्या एडवाइस करेंगे इसको, ये आईमेट वगैरह के लिए इसको तैयारी करनी हो तो ये अभी से शुरू करें, क्या कैसे रहे करना चाहिए आप बताएं। अभी ना नीट की तैयारी करें, आईमेट की। अगर इंडिया में इंटरेस्टेड नहीं है आपको इसको, मैं तो इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन इंडिया में खर्चा ही इतना ज्यादा है, गवर्नमेंट कॉलेज सब जनरल कैटेगरी कैटेगरी का है देखो मेरा नीट मतलब। भी, नीट का भी आप दीजिए इनका, नीट का भी नीट इसको तो नीट भी इन दिलवाइए सब में आईमेट। नीट की तो जरूरत पड़ेगी है ना, इन सब में नहीं तो नीट की नीट तो जरूरत पड़ेगी मैडम, बेसिक। मैडम नीट उनको कोई लेना देना नहीं नीट से, ये बड़ी कंट्रीज को। वो कहता हमें क्या लेना आपकी बट गवर्नमेंट से। हमारे हमें यहाँ पे तो इंटरनेशनल के लिए नीट तो देना ही पड़ता है, बेसिक क्वालिफाइंग मार्क्स आप तो कहते मैडम ही हैं। मैं बता देता हूँ ना, अभी क्या है कि वो कहते इंडिया में आके प्रैक्टिस करनी है तो देन वी नीड द नीट, अदरवाइज उन कंट्रीज दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट हाँ इंडिया। वो कहता हमें क्या लेना आपके मेडिकल सिस्टम से। बट हम तो वो ऑप्शन तो रख के चलेंगे हाँ ना, वो मैं है तभी ना कह रहा हूँ, कि हाँ इंडिया में अगर इफ यू वांट तो देन यू विल क्वालिफाई द नीट। जो क्वालिफाई मार्क है 140 देने पड़ते जनरल कैटेगरी को, वो करना पड़ेगा मिनिमम। बाकी इंडिया में अगर 40-50 लाख 70 लाख में मिलता है तो इंडिया में ज्यादा प्रेफर करता हूँ। हाँ वो तो है, लेकिन मिल जाए इंडिया में प्राइवेट में वो भी तो एक वो है, चैलेंज है। आप लोग उसमें भी सर्विस वगैरह आप लोग देते हो क्या? नहीं इंडिया का नहीं मैं देता। तो ठीक ठीक है है सर, मैडम मैं सरिता, हाँ और तो नहीं है, फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे ड्रॉप करें व्हाट्सएप के ऊपर भी, जो मेरे व्हाट्सएप नंबर है, ठीक फिर है भी कोई सर, रहेगी डेफिनेटली। तो हमारी। मैंने थोड़ा नोट कर लिया है हाँ एटलीस्ट जो जो आपने ये बताया नोट वो कर कर लिया है, लिया। हमारे साथ टच में रहना है आपने। हाँ बिल्कुल। ठीक और है सर आपने एक तो आईमैट के लिए सतीश जी बोला कि आईमैट के लिए देखना है, मैं और क्या क्या बेस्ट है कंट्रीज के लिए? आईमेट का और मैं तीन कंट्रीज की इंफॉर्मेशन भेज रहा हूँ आपको, आईमेट का और तीन कंट्रीज की इंफॉर्मेशन, ये रोमानिया बुल्गारिया ओके। क्रोएशिया, और आपने इसकी रिसर्च करनी है। जर्मनी भी तो एक कंट्री होती है ना जिसमें फ्री होता है, कहाँ पे? जर्मनी जर्मनी। जर्मनी में मैं जर्मनी की वीडियो भेजूंगा, पहले उसको सुन लेना, अगर आपको वो अच्छा लगेगा तो देन आई विल आल्सो ट्राई देयर। वीडियो भेज रहा हूँ जर्मनी की भी, हाँ जर्मनी में तो जर्मन सीखना पड़ेगा ना, B2 तक शायद सीखना अब पड़ता है। बी2 हुआ उसके लिए देर इज लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज आर देयर, बट रोमानिया में इसने एमबीबीएस किया है, ही कैन इजीली प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर इन जर्मनी, ओनली ही नीड टू डू द जर्मन बी2 लेवल, C1 लेवल। ओके जर्मन C1। और यूके वगैरह में भी कहीं भी यूरोपियन यूनियन में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता है रोमानिया से एनीवेयर कंट्री। एनीवेयर ही कैन डू द प्रैक्टिस आफ्टर फॉलोइंग देयर लोकल, जो भी उनकी रेगुलेशंस है, लैंग्वेज इज मेन। लैंग्वेजेस में हाँ, यूके वगैरह में तो कोई लैंग्वेज का वो है ही नहीं, वहां तो यूके इंग्लिश में ही है। आपने ईमेल लिखना है, यूके का बता दिया मैंने, मेल लिखी हूँ। हाँ एनएचएस में आपने बोला ना, एनएचएस में चेक करने के लिए, वो हाँ वो डेफिनेटली मैं कर, डालनी है और मुझे भी फीडबैक देना है साथ में। ठीक है वो कर ओके दूंगी। मैडम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी, और ओके थैंक यू। और भी कभी कोई भी थैंक कोई क्वेरी हो तो ड्रॉप मी द मैसेज एनी टाइम। थैंक यू, आप दोनों को धन्यवाद। यू, नमस्कार। श्योर।